अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास टेंसेज में से, और टेंसेज के लेक्चर नंबर 9 में से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस मीन मुस्तकबिल टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका जो फ्यूचर का तीसरा जो पोर्शन है जी टेंसेस का। फ्यूचर में से हम पहला टेंस फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं जी, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस मीन फेल मुस्तकबिल मुतलक। तारीफ इसकी दो तारीफें हैं जी। सबसे पहली तारीफ में देखते हैं, जिस काम का हम इरादा रखते हैं कुछ करने के लिए एक फैसला करते हैं, मुस्तकबिल में वक्त के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कि हम वक्त मतलब ये कहेंगे कि ऐसा करेंगे, मैं दूध पीऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, पता नहीं कब खाऊँगा, कोई ख़ास वक्त नहीं है इसके अंदर। दूसरी तारीफ, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला हो। इसकी मैंने इंग्लिश भी लिखी है कि वेन वी प्लान और वी मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग, कि कुछ करने का हम प्लान कर लें, कोई डिसीजन हम करते हैं, नथिंग इज सेड अबाउट द टाइम इन द फ्यूचर। हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त इस टाइम में हम ये करेंगे। उर्दू बनाने के लिए उर्दू फिक्रात के आखिर पर, ऐसे फिक्रात जिनके आखिर पर गा गी गे वगैरह आता हो, मिसाल के तौर पर मैं दूध पीऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, ठीक है जी। इसका इंग्लिश बनाने के लिए फार्मूला स्टूडेंट्स जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट के साथ विल और शेल का इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जी और प्लस ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है जी, विल और शेल। विल और शेल के जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? इसके दो पोर्शन है स्टूडेंट्स। एक तो शेल जो है आई और वी के साथ भी इस्तेमाल होता है, फिर विल जो है ही शी इट यू और दे के साथ इस्तेमाल होता है। अब अगर इरादा पक्का हो, कोई ताकीद करनी हो, कोई ज़रूरी काम हो, तो दोनों पोर्शन चेंज हो जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर आई और वी के साथ विल आ जाएगा, ही शी इट यू दे के साथ शैल आ जाएगा। इसकी मिसाल देते हैं, दोनों की मैंने एग्जांपल लिखी है। जैसे मैं अच्छी किताबों का मुताला करूँगा, आई शैल रीड गुड बुक्स, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। लेकिन अगर उसने कहा कि मैं अच्छी किताबों का मुताला ज़रूर करूँगा, खास ज़रूर करूँगा, तो क्या होगा जी, आई विल रीड गुड बुक्स, ठीक है, फिर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे वो नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप। जैसे हम नहीं दौड़ेंगे, वी शैल नॉट रन, ठीक है जी। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, विल और शैल स्टार्ट पर ले आएंगे। इसका जो तरीकाकार है, इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम प्लस क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इसकी एग्जांपल किस तरह है जी, जिस तरह क्या मैं घर जाऊंगा, शैल आई गो होम, क्या मैं घर जाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस इकट्ठा आ जाए, हम इकट्ठे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम उसी तरह जो विल और शैल को स्टार्ट में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, शैल आई जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद गो और होम। जैसे क्या मैं घर नहीं जाऊँगा, शैल आई नॉट गो होम, ठीक है जी, सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यूज़ ऑफ वाई वेयर वेन हु हाओ का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, इसकी मिसाल किस तरह जी, हमने सबसे पहले उठा के वाई वेयर विल को स्टार्ट पे ले आना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसकी आएगी, और फिर क्या आएगा जी, फिर एज यूजल ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर वो यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा, वाई विल वी गो, सॉरी हाँ जी, वाई विल वी गो ही गो टू यूनिवर्सिटी, टू द यूनिवर्सिटी, कि वो क्यों जाएगा। दूसरी इसकी एग्जाम्पल है जी, तुम कब झूठ बोलोगे, वेन विल यू टेल अ लाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज फ्यूचर टेंस था, फ्यूचर टेंस का हमारा आज एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, और आज उम्मीद है आपको मेरा ये वाला फ्यूचर का टेंस भी पसंद आया होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।